नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से पांच छोटी सी जानकारियां लेकर आई हूं। पहला, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी में 85% वनस्पति जीवन समुद्र के भीतर पाया जाता है। लगभग सभी समुद्री पौधे यूफोटिक जोन में उगते हैं। ऊपरी 200 मीटर इस गहराई को सूर्य के प्रकाश क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसके माध्यम से प्रवेश करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, एक प्रक्रिया जिसके लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, पानी जो कि महासागरों में अपार है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडलियों से महासागर में अवशोषित हो जाता है। तीसरा, प्रकाश। चौथा, क्लोरोप्लास्ट पौधों के प्रकाश संश्लेषकों में पाए जाते हैं। विशेष अनुकूलन के बिना कई पौधे 200 मीटर से अधिक गहराई तक प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बिना पौधे विकसित नहीं हो सकते। इस प्रकार समुद्र के लगभग सभी पौधे यूफोटिक जोन में उगते हैं। कुछ समुद्री शैवाल सनलाइट जोन के ठीक नीचे उग सकते हैं। समुद्री शैवाल तकनीकी रूप से शैवाल है, पौधा नहीं। शैवाल और पौधे काफी हद तक समान है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता भी शामिल है। तो समुद्री शैवाल गोधली क्षेत्रों में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, दोस्तों क्या आप पृथ्वी के सबसे बड़े बीज के बारे में जानते हैं? लोडोइशिया मालदीविका जो कि कोको डे मेयर के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा और 18 किलोग्राम वजन तक पहुंच सकता है। कोको डी मेयर जो एक विशाल गहरे भूरे रंग का बीज पैदा करता है। सेसेल्स की सरकार द्वारा इसकी दुर्लभता के कारण संरक्षित किया गया है। पेड़ पत्तियों के साथ 31 मीटर तक लंबा हो सकता है, 20 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा होता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सीधे वयस्क पेड़ों के नीचे के क्षेत्र गीले थे और उनमें परिवेश की तुलना में मिट्टी के पोषक तत्व अधिक थे। जैसा कि यह पता चला है, एल मालदीविका अपने स्वयं के आवास को संशोधित करता है। वे विशाल पत्तियां केवल सूर्य को एकत्रित करने से अधिक कार्य करती है। वे विशाल फनल के रूप में भी कार्य करती है। वास्तव में छत्र पर बरसने वाला अधिकांश पानी पत्तियों द्वारा एकत्र किया जाता है। इस तरह पानी, मलबे और यहाँ तक कि अतिरिक्त पराग से सब कुछ प्रत्येक पेड़ के आधार पर फनल हो जाता है। तीसरा, दोस्तों क्या आप अर्थ सिम्युलेटर के बारे में जानते हैं? जापानी सरकार की पहल है अर्थ सिम्युलेटर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों और ठोस पृथ्वी में समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए वैश्विक जलवायु मॉडल चलाने के लिए एक अत्यधिक समानांतर वेक्टर सुपर कंप्यूटर सिस्टम था। भूभौतिकी प्रणाली जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान और जापान समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए विकसित की गई थी। 1997 में निर्माण अक्टूबर 1999 में शुरू हुआ और साइट आधिकारिक तौर पर 11 मार्च 2002 को खोली गई। इस परियोजना की लागत 60 बिलियन येन है। NEC द्वारा निर्मित ES उनके SX6 आर्किटेक्चर पर आधारित था। इसमें कुल 5120 प्रोसेसर और 10 टेराबाइट मेमोरी के लिए प्रत्येक नोड पर 8 वेक्टर प्रोसेसर और 16 गीगाबाइट कंप्यूटर मेमोरी के साथ 640 नोड शामिल थे। प्रति 1 मीटर गुना 1.4 मीटर गुना 2 मीटर कैबिनेट में 2 नोड स्थापित किए गए थे। प्रत्येक कैबिनेट ने 20 किलोवाट बिजली की खपत की। सिस्टम में 700 टेराबाइट डिस्क स्टोरेज और टेप ड्राइव में 1.6 पेटाबाइट मास स्टोरेज था। यह वायुमंडल और महासागरों
दोनों में वैश्विक जलवायु के समग्र सिमुलेशन को 10 किलोमीटर के संकल्प तक चलाने में सक्षम था। चौथा, दोस्तों क्या आप यूफोर्बिया ब्लैकबर्ड प्लांट के बारे में जानते हैं? यह मखमली पत्ते के साथ जो पूर्ण सूर्य में काले रंग के करीब काला हो जाता है। ब्लैकबर्ड यूफोर्बिया 12 माह में अच्छा दिखता है और विशेष रूप से कंटेनरों में हड़ताली होता है। फूल लाल तनों पर चमकीले चूने के हरे रंग के खंडों के ऊपर खुलते हैं, जो एक कॉम्पैक्ट फूलदान का आकार बनाते हैं। पैट मैककर्नन रीजनल पिक्स मिडवेस्ट फाइन गार्डनिंग इसकी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। गहरे मखमली पत्ते और पीले हरे रंग के खंड। लेटेक्स सैप त्वचा में जलन पैदा करता है। आंशिक छाया और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को पूर्ण सूर्य प्रदान करते हैं। जब फूल मुरझा जाते हैं तो नए अंकुर बनाने के लिए तने को आधार से काट लेते हैं, लेकिन रस के संपर्क में आने से बचिए, जिससे त्वचा में जलन हो सकती है। शुरुआती वसंत में पौधों को विभाजित करते हैं या वसंत या शुरुआती गर्मियों में कटिंग करते हैं। यह 1 से 3 फीट ऊंचा और 1 से 3 फीट चौड़ा होता है। पांचवा, दोस्तों क्या आपने टैटू किया है? मैंने तो किया है, पर अजीब सवाल है ना। साइबेरियाई आइस मेडन, जिसे उकोक की राजकुमारी के रूप में भी जाना जाता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक महिला की मम्मी 1993 में रूस के अल्ताई गणराज्य में पाज्यरिक संस्कृति के एक कुर्गन में मिली थी। यह शताब्दी के उत्तरार्ध के सबसे महत्वपूर्ण रूसी पुरातात्विक निष्कर्षों में एक था। 2012 में उन्हें गोर्नो अल्टास्क में रिपब्लिकेशन नेशनल म्यूजियम में एक विशेष मकबरे में ले जाया गया था। कुर्गन एक दफन टीला है जो छोटे तलछट से भरा होता है और चट्टानों के ढेर से ढका होता है। आमतौर पर टीले में एक मकबरा कक्ष होता था, जिसमें एक कब्र के सामान के साथ एक लॉग ताबूत के अंदर एक दफन होता था। इस तरह के दफन कक्ष छोटे से केबिन बनाने के लिए नोकदार लकड़ी के लॉग से बनाए गए थे। इस मम्मी की खास बात यह है कि आइस मेडन की संरक्षित त्वचा में उसके एक कंधे पर एक पशु शैली के हिरन टैटू का निशान है और दूसरा उसकी कलाई और अंगूठे पर है। उसे एक पीले रेशम के तुस्सा ब्लाउज में दफनाया गया था, जो कि 2500 सालों से संरक्षित है और उनके टैटू भी संरक्षित है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।